सूक्ष्मदर्शी श्रोताओं, देवगण लोक कल्याण के लिए तारकासुर का वध करना चाहते थे, किंतु उसका वध तो शिव पुत्र के हाथों ही संभव था। आरंभ में देवताओं ने प्रयत्न कर अग्नि को शिवजी के कक्ष में कपोत रूप में भेजा। देवाधिदेव शिवजी इस छल से क्रुद्ध हो गए। ये क्रोध स्वाभाविक था। अग्नि का कपोत रूप में इस प्रकार निजी कक्ष में प्रवेश अनुचित था। अनुचित कार्य की प्रतिक्रिया समय पर अथवा विलंब से होती अवश्य है। अग्निदेव को अपने दुस्साहस का परिणाम भोगने को बाध्य होना पड़ा। काल व्यतीत हो रहा है देवी। आपको काल की क्या चिंता है देव? आप तो स्वयं महाकाल हैं। सूक्ष्म रूप में तुम भी तो महाकाली हो। हम क्या हैं? हमें ज्ञात है। अब तो ये ज्ञान जगत को होने दें देव। ये अग्निदेव है। इसकी दृष्टता के लिए इसे दंड देना ही होगा। क्षमा करें परम देव, क्षमा करें परम देव, मुझे क्षमा करें। मैं यहाँ स्वेच्छा से नहीं आया। यहाँ आने के लिए मुझे देव गणों ने प्रेरित किया है। रे पाखंडी दूत, महादेव का तेज बिंदु जो मुझे ग्रहण करना था वह छल से तूने ग्रहण कर लिया। नहीं माता नहीं, मेरा प्रयोजन कदापि ये नहीं था। था अथवा नहीं, किंतु ऐसा हुआ है। इस छल के लिए तुझे घोर यातना सहन करनी पड़ेगी। माँ, अब तो तेज बिंदु की पीड़ा भी असहाय हो रही है। क्या करूं, कहां जाऊं, कौन करेगा मेरी मदद? जाइए उन देवगणों के पास जिन्होंने तुम्हें प्रेरित किया था। कहां है वे देवगण? कैलाश भवन के बाहर। चलो मेरे साथ। हमारे विलास में विघ्न डालने के लिए अग्नि को कपोत रूप में भेजा, क्यों? देवगणों में ऐसी मर्यादाहीनता, लज्जाहीनता, संस्कारहीनता। देवाधिदेव, मैं कुछ विनय करना चाहता हूँ। अब कर्म करते हो और विनय करना चाहते हो? आपका विवेक, विनय, सौजन्य, शालीनता सब नष्ट हो गए। आपने इस धारणा से अग्नि को कपोत रूप में हमारे भवन में भेजा कि अग्नि कभी अग्नि को जला नहीं सकती। अब ये अग्निदेव आपके और अपने कर्मों के फल भोगेगा। हे देव, निश्चय ही मैं साक्षात अग्नि हूँ, इसलिए देवाधिदेव का तेज बिंदु तो मैंने ग्रहण कर लिया, किंतु इसके सहने की क्षमता मुझ में नहीं है देव। ये अब कर्म करने से पूर्व विचारना था अग्निदेव। प्रभु, मैंने कहा ना कि मैं देव गण से प्रेरित था। क्या आवश्यकता और विवशता थी अग्निदेव को इस कार्य के लिए प्रेरित करने की? देवेश्वर, दैत्यराज तारकासुर के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अत्याचार तो अब बढ़े जा रहे हैं, और तारकासुर इसलिए अत्याचार कर रहा है कि उसने शक्ति प्राप्त की है। शक्ति प्राप्त होती है पुण्य और साधना से। जब तक तारकासुर का पुण्य और पीड़ितों के पाप समाप्त नहीं होते, तब तक तारकासुर जीवित रहेगा और अत्याचार करता रहेगा। समय से पूर्व कुछ भी घटित नहीं होता। जिस समय नियति ने उसके भाग्य में मृत्यु निश्चित की है, उसी समय उसकी मृत्यु होगी। नारायण नारायण। आ, 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 आ,
नारायण नारायण। चेहरे से, चाल से, भाव से, भंगिमा से अति व्याकुल दिखाई दे रहे हैं अग्निदेव। समझ में नहीं आ रहा है कि आपके मन की व्यथा तन पर आई है अथवा तन की व्यथा मन पर भारी है। आपकी व्यथा की कथा तो आपका चेहरा भी स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। देवर्षि, कथा तो आपसे छिपी नहीं है और व्यथा तो मैं भोग ही रहा हूं। ओहो, नहीं समझा, बिल्कुल नहीं समझा। आप तो मुझे अबोध जानकर अपनी कथा का बोध कराए तो कुछ समझ में आए। आपको समझाने के लिए नहीं, अपने कष्ट से मुक्त होने के लिए बता रहा हूं कि उस दिन तो आप देव सभा से अपना पल्ला झाड़कर चले आए। देवादि देव शिव के कोप से भयभीत होकर आपने तो उनके पास जाने के लिए अपनी असहमति प्रकट कर दी, किंतु मैं देवगण के शब्द जाल में फंस गया। देवर्षि, शब्द जाल में फंस गया। मैं निकल गया और आप फंस गए, ऐसा क्यों? आप भी वही करते जो मैंने किया तो आप भी निकल सकते थे। यह संभव नहीं था देवर्षि, यह संभव नहीं था, क्योंकि मुझसे कहा गया था कि शिव जी की तेजांगनी मुझे नहीं व्यापेगी, क्योंकि अग्नि अग्नि को प्रभावित नहीं करती। और आपने मान लिया कि अग्नि अग्नि को प्रभावित नहीं करती, जबकि सच यह है कि अग्नि अग्नि को ही प्रभावित करती है। हाँ देवर्षि, स्वयं अग्नि होते हुए भी मैंने प्रकृति के सत्य को नकार दिया और शिव जी के सामने कपोत रूप में जाने की भूल कर बैठा। उनका तेज पुंज प्रकट होकर मुझ में समा गया है, जिसे मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। असह पीड़ा हो रही है, कोई उपाय बताएं देवर्षि, कोई उपाय बताएं। नारायण नारायण। नारद की यही तो विशेषता है अग्निदेव, क्यों ना पूछने पर भी उपाय बता देता है। किंतु ये विषय इतना गंभीर है कि पूछने पर भी उपाय सूझ नहीं रहा है। आपकी मंत्रणा ने तो अनेकों बार देवताओं, असुरों और मनुष्यों को तारा है, उनका कल्याण किया है, फिर मेरे विषय में ऐसी दुविधा क्यों देवर्षि, ऐसी दुविधा क्यों? इसलिए कि इस दुविधा, कष्ट और आपत्ति के संयोजक और संचालक स्वयं शिव जी हैं। आपने देवगण की बात पर तो विश्वास कर लिया, किंतु तनिक भी विचार नहीं किया कि देवाधिदेव भोलेनाथ के व्यक्तिगत जीवन में झांकने का क्या परिणाम होगा। नहीं देवर्षि, मेरा उद्देश्य कदापि वह नहीं था, मैं तो देवगण का संदेश लेकर गया था। विचित्र स्थिति है आपकी, दंड भोग रहे हैं फिर भी स्वयं को निर्दोष प्रमाणित करना चाहते हैं। आपका उद्देश्य कुछ भी रहा हो, किंतु आपका साधन उचित नहीं था। यदि आपका उद्देश्य पवित्र होता तो आपको कपोत का रूप धारने की क्या आवश्यकता थी? आप कपोत बन भी गए थे तो माता पार्वती और शिव जी के कक्ष में प्रवेश करने की अशिष्टता तो आपको नहीं करनी चाहिए थी अग्निदेव। मानता हूं देवर्षि, मानता हूं, देवगण के प्रोत्साहित करने से मैं वो कर बैठा जो मुझे नहीं करना चाहिए था, किंतु अब इस कष्ट से मुक्ति कैसे हो? असह पीड़ा हो रही है देवर्षि, असह पीड़ा हो रही है। कर्म के फल से कोई मुक्त नहीं है, स्वयं त्रिदेव भी नहीं। भोग तो लिया मैंने अपने कर्मों का फल, अब और कितना भोगना है देवर्षि? भोग की मात्रा और अवधि भोगने वाला नहीं, दंड देने वाला निश्चित करता है देव। और फिर जो अपराध आपने किया है उसका दंड देने वाले देवाधिदेव शिवजी के मार्ग में आकर आपको इस कष्ट से मुक्ति का उपाय बताने वाला स्वयं शिव कोप का भागी हो सकता है। नहीं अग्निदेव, इस कष्ट का कोई निवारण नहीं है। देवर्षि, आप चाहे तो मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दिला सकते हैं। इस समय आप मुक्ति के लिए छटपटा रहे हैं, किंतु उस समय आपका अहंकार और देवगणों का प्रोत्साहन ही प्रबल था। क्षमा करें देवर्षि, क्षमा करें, मैं बार बार अपना अपराध स्वीकार कर चुका हूं, अब तो कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे प्रायश्चित कर इस पीड़ा से मुक्त हो सकूं। है एक उपाय है, किंतु सावधान,
इस बार यदि चूक गए तो संपूर्ण जीवन कष्टमय हो जाएगा। नहीं चूकूंगा देवर्षि, नहीं चूकूंगा। कहिए क्या करना होगा मुझे? वो देखो, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की पत्नी देवी अरुंधति अन्य 6 ऋषि पत्नियों के साथ नदी की ओर स्नान करने जा रही। नदी के शीतल जल से शीत साथ लिए ठिठुरते हुए जब किनारे पर आए तो आप वहां प्रकट होकर उन्हें तापित करते समय ये तेज पुंज उनके गर्भ में उतार दें। वे इस तेज पुंज को झेल लेंगी और आप मुक्त हो जाएंगे। किंतु सावधान, देवी अरुंधति के समक्ष जाने का दुस्साहस ना करें, उनका तपोबल आप नहीं झेल पाएंगे। देवर्षि, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। धन्य है आप, आपने मेरा मार्गदर्शन कर इस पीड़ा से मुक्त कराया है। आज्ञा हो तो नदी की ओर प्रस्थान करूं। कल्याण भव। उई माँ, क्या हुआ? देवी अरुंधति, आज तो पानी अधिक ही शीतल है। हाँ है, क्यों नहीं होगा? प्रकृति अपना कार्य करती है, हमें अपना कार्य करना है। शीत के कारण हम नियम और कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते। आओ, स्नान करके संविधा के लिए लकड़ियां भी चुननी है। आओ, अरे आओ, आओ ना। लगता है रक्त जम ही जाएगा। मेरा रक्त तो जम ही गया है, मुझे तो ये शीतलता सहन नहीं होती। लगता है मेरी तो अस्थि गल जाएगी। वो देखो तट पर अलाव, आओ चलो ताप लें। सावधान, अग्नि के समीप न जाना, वो अलाव नहीं छलावा है। देवी, वो छलाव नहीं अलाव है। कहीं ताप के लोभ में संताप ना भोगना पड़े। देवी, आपका व्यवहार तो सदैव कठोर रहता है और शीत के कारण हमारी तो दशा ही बिगड़ गई और आपको अलाव में छलाव ही दिखाई दे रहा है। चलो ताप लें। अरे गर्भवती कैसे हो गए? ये कैसे हुआ? ये तो दुखद स्थिति है। दुर्भाग्य सबसे पहले प्राणी की बुद्धि हरता है। ये तो छलावा ही था, ये तो हमारे साथ छल कर गया। महादेवी ने हमें तो इस अग्नि से सावधान भी किया था, परंतु हमने उनकी बात ना मानी। हमें इसका परिणाम भुगतना ही होगा। बड़ों की बात ना मानने का दंड तो मिलता ही है। तो अब हम क्या करें? एक रास्ता है। क्या है? चलो चलकर देवी अरुंधति से उपाय पूछते हैं। हाँ, मैंने अकारण तुम्हें सावधान नहीं किया था, किंतु अहंकारवश तुमने मेरे उद्बोधन की अवहेलना की। इसी का तो दुष्परिणाम भोग रहे महादेवी। कृपा करके इस संकट से उभरने का कोई तो उपाय बताइए। शिवा, मैंने अपने तपोबल और दिव्य दृष्टि से जान लिया है कि देवाधिदेव शिव जी का तेज पुंज अग्निदेव ने ग्रहण कर लिया था और उस तेज पुंज को तुम सभी के गर्भ में डालकर वे मुक्त हो गए हैं। अब इस तेज पुंज से मुक्त होना तुम्हारे लिए सरल नहीं है। हे विधाता, ये कैसी विपदा आ पड़ी है हम पर। अब हम क्या करें? कहां जाएं अब हम? हम अपने पति का सामना कैसे कर पाएंगे? वे तो हमें चरित्रहीन ही समझेंगे। पति के समक्ष तो जाना ही होगा और जो घटा है वो सत्य उन पर प्रकट भी करना होगा। इसके अतिरिक्त अन्य मार्ग नहीं है। तो जाओ, अपने अपने पति के समक्ष जाकर वो सत्य प्रकट करो। जाओ। हे माँ भुवनेश्वरी के श्रद्धालु भक्तों, आप इस सत्य को भली भांति समझ गए होंगे कि इस जगत की सारी रचना माँ भुवनेश्वरी की इच्छा से ही होती है। माँ की ये भी इच्छा थी कि उन 6 ऋषि पत्नियों को उनके पति घर से निकाल दें ताकि कार्तिकेय के जन्म में सहायक हो सके। ऋषि अंगीरा ने अपनी पत्नी शिवा को चरित्रहीन कहकर आश्रम से निकाल दिया,
शेष पांचों ऋषियों ने भी ऐसा ही किया। शिवा सहित सभी ऋषि पत्नियां दुखी होकर विलाप करती हुई देवी अरुंधति के पास पहुंची। उन्होंने आत्महत्या करने का विचार किया, किंतु अरुंधति ने उन्हें रोका। वे विचार मग्न हो गई। तब उन्होंने एक उपाय सोचा। वे गंगा माता से निवेदन करके ये कहने लगी, हे गंगा माता, तुम अपवित्रों को पवित्र और पापियों को तारने वाली हो। अज्ञानवश या अबोध पुत्रियां विपदा में पड़ी हैं। हे कृपामयी माता, इन्हें संकट से उबारो। दया करो माता, दया करो। देवी अरुंधति, माता, तुम्हारे तेज, तप, बल और लोक कल्याण के वश होकर मैं यहाँ उपस्थित हूँ। इनके सगर्भा होने का कष्ट मैं जानती हूँ, किंतु ये चिंता का कोई विषय नहीं है। इनके तेज पुंज को मेरे जल में बहा दो, मैं इनकी रक्षा करूंगी। माता, जाओ पुत्रियों। कर आश्रम नहीं जाएंगे। इसकी कोई आवश्यकता नहीं महर्षि विश्वामित्र। तुम्हें अब आश्रम लौटने की आवश्यकता भी नहीं। अब तुम नभ में कार्तिका के रूप में स्थित रहोगी। राजश्री विश्वामित्र को प्रणाम। आयुष्मान भव। कुमार स्कंद के जन्मदाता और माता पिता तो भगवान शिव और उमा ही है, किंतु शिव जी के तेज पुंज को गर्भ में धारण करने के कारण तुम सभी को स्कंद की माता होने का गौरव भी प्राप्त होगा। छह कार्तिकाओं का यह 6 वर्षीय बालक स्कंद जगत में कार्तिकेय के नाम से जाना जाएगा और इसके द्वारा तारकासुर का वध होगा। तारकासुर के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं, न जाने कब वो हम पर आक्रमण कर बैठे। नारायण नारायण, आक्रमण तो अब तारकासुर पर होगा। वो कैसे देवर्षि? आप चिंता का त्याग करें और आशा को मन में ग्रहण करें। क्या ये आपकी भविष्यवाणी है देवर्षि? मेरी नहीं, नियति की भविष्यवाणी है, और जिसे शिवपुत्र पूर्ण करेगा। किंतु वो है कहाँ? आपके प्रश्नों का अंत नहीं होगा और मुझे आवश्यक कार्य से जाना है। मैं चला। नारायण नारायण नारायण। कुमार कार्तिकेय, आपका जन्म तारकासुर वध करने के लिए हुआ है। मैं अग्नि आपसे प्रसन्न होकर यह शक्ति आपको प्रदान करता हूँ। मैं इस शक्ति का परीक्षण अभी करूंगा। नारायण नारायण नारायण। शक्ति नारायण शक्ति नारायण शक्ति नारायण। हे छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्रिय बालक, तुम्हारे हाथ में अस्त्र कैसा है? ये मेरा खिलौना है, अब मैं इससे खेलूंगा। ना ना बालक ना, ये तो खिलौना नहीं, कोई भयंकर शस्त्र लगता है। इसकी नोक तुम्हें लग गई तो तन से रक्त बह निकलेगा, फेंक दो इसे। ओ तुन तुन बजाने वाले चोटीधारी बाबा, मैंने कह दिया ना कि ये मेरा खिलौना है। मेरे खिलौने का खेल देखोगे तो ये देखो।
नारायण नारायण, हे बालक तुम तो अद्भुत खिलाड़ी हो, पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और सबसे अद्भुत है तुम्हारा ये खिलौना। मुझे तो सबसे अद्भुत आपकी बातें लग रही हैं। क्यों, मैंने क्या किया है? जब बातें इतनी अद्भुत हो तो जो कुछ भी किया है और जो कुछ भी करते हो वो तो अधिक अद्भुत होगा। नारायण नारायण, हे बालक करने धन्य वाला मैं कौन हूँ? जो कुछ भी होता है वो माँ भुवनेश्वरी की इच्छा से ही होता है। बाबा, जो कुछ भी आप करते हैं यदि वो माँ भुवनेश्वरी की ही इच्छा से होता है तो ये मान लेने में आपको क्या आपत्ति है कि जो कुछ भी मैं करता हूँ उसमें अद्भुत कुछ नहीं, ये भी माँ भुवनेश्वरी की ही इच्छा से होता है। अरे, तुम तो ज्ञानी ही नहीं सूक्ष्मदर्शी भी हो। आप जैसे महापुरुषों से भेंट होती है तो थोड़ा सा ज्ञान और थोड़ी सी सूक्ष्मता ग्रहण कर लेता हूँ। किंतु ज्ञानी के ज्ञान का उद्देश्य वलक्ष्य तो सृजन और निर्माण होता है बालक, तुम तो विनाश में लगे हुए हो। आप तो मुझसे कहीं अधिक ज्ञानी हैं, क्या इतना भी नहीं समझते कि विनाश के पश्चात ही निर्माण कार्य आरंभ होता है? उस निर्माण का क्या लाभ बालक जिससे पूर्व विनाश द्वारा जीव मात्र को कष्ट दिया जाए? स्वयं देखो तुन्तुन वाले बाबा, मेरे द्वारा किसी भी जीव की प्राण हानि नहीं हुई है। मैं स्वयं ऐसे निर्माण पर विश्वास नहीं करता जिससे जीव मात्र की प्राण हानि हो। हाँ,